हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए छिलके वाली हरी मूंग के दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूं। और ये पकौड़े या मंगौड़े खाने में बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी हैं और इसी के साथ में अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। और बिना बेकिंग सोडा के हम इन पकौड़ों को ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाएंगे। तो मैं सभी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आप भी परफेक्ट मूंग दाल के मंगौड़े घर पर आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हरी मूंग दाल के मंगौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छिलके वाली हरी मूंग दाल ली है 1.5 कप, और आप चाहें तो धुली हुई पीली मूंग दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, हमने 1.5 कप दाल ली है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। दर्शकों, अगर आप पहली बार छिलके वाली मूंग की दाल के पकौड़े बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए, मैंने दाल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखेंगे। और अगर आप जल्दी में हैं तो दाल को हल्के गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगोकर रखें, जिससे कि दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो चलिए, जब तक दाल यहाँ पर फूल रही है, हम पकौड़े के लिए एक स्पेशल मसाला बनाते हैं जिससे कि पकौड़े का स्वाद दुगना हो जाएगा। एक पैन लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालें और उसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल दें। इसी के साथ में साबुत काली मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच और जीरा डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। और अब यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन ली है, आप अजवाइन इसमें जरूर डालें, इससे पकौड़े का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और अब लो फ्लेम पर हम इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए, मसालों में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, अब हम इन मसालों को एक प्लेट में डाल देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। हमारे मसाले यहाँ पर पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और मसालों को उसमें डाल देंगे। और अब एक जरूरी बात, हमें मसालों को दरदरा पीसना है, इसका फाइन पाउडर ना बनाएं। चलिए, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मसालों का मैंने दरदरा सा पाउडर बनाया है और मसालों के छोटे छोटे टुकड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, पकौड़े के लिए मसाला बनकर तैयार है, अब हम धनिया और पुदीने की हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। स्वादिष्ट और चटकदार चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ताजी हरी धनिया ली है। इसी के साथ 1/4 कप पुदीना लें, 3 हरी मिर्ची लें और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लें। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें और 1/2 चम्मच जीरा डाल दें। और अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 साबुत काली मिर्ची के दाने लिए हैं। काली मिर्ची डालने से चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और चटकदार लगती है। और अब चटनी में बढ़िया सी बाइंडिंग लाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन के नायलॉन सेव लिए हैं। और अगर आपके पास में बेसन के सेव नहीं है तो आप यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालते हैं और इसी के साथ में नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम गाढ़ी चटनी बना रहे हैं। तो चलिए, मैंने सभी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दी है, अब हम इसकी बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। चलिए, हमारी चटकदार चटनी बनकर तैयार है और इस चटनी को आप न सिर्फ पकौड़े बल्कि इसे आप सैंडविच, क्रिस्पी डोसा, फूला हुआ वड़ा और कबाब के साथ में भी खा सकते हैं। तो चलिए, हमारी बेसिक तैयारी पूरी हो चुकी है और अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, हम दाल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल यहाँ पर बढ़िया सी फूल गई है, इसका दाना दबा के देखते हैं, दाना यहाँ पर टूट रहा है। और अब यहाँ पर सबसे खास बात, हमें दाल का पूरा पानी निकालना है, उसी के बाद में हमें दाल को पीसना है। तो दाल को हम छलनी में डाल देंगे और इसका पूरा पानी निकाल कर अलग कर लेंगे। और परफेक्ट पकौड़े बनाने के लिए यह सबसे ज़रूरी स्टेप है, अगर आप दाल का पूरा पानी नहीं निकालेंगे तो पकौड़े गोल नहीं बनेंगे और इसी के साथ में क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। छिलके वाली मूंग की दाल को कुछ देर छलनी के ऊपर रखने के बाद में हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इस दाल को डाल देंगे। और अब रुकिए, दाल को पीसने से पहले हम 3 चम्मच दाल अलग निकाल कर रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और पकौड़े बनाने के लिए यह एक स्पेशल टिप है जिसे आप ज़रूर फॉलो करें। चलिए, अब हम इस दाल को साइड में रखते हैं और मिक्सर ग्राइंडर जार में 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे और इसी के साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और अब इस दाल को दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे कि हमें दाल को पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम इस दाल को रुक रुक कर पीसेंगे, यानी कि पल्स मोड पर पीसेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दाल का दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इस दाल को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इन पकौड़ों को बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बना रही हूँ, तो पकौड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हैंड विस्कर लिया है। अब हम दाल को इस विस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि दाल का रंग ग्रीन है, लेकिन आप इसे 5 मिनट तक लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि दाल का रंग यहाँ पर हल्का सा वाइट हो गया है। तो इस तरह से बैटर में हवा भर जाती है और पकौड़े लाइट, सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। तो परफेक्ट क्रिस्पी और जालीदार पकौड़े बनाने के लिए यह स्टेप सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब इस बैटर में जो हमने दाल अलग से निकाल कर रखी थी उसे हम ऐड कर देते हैं। इसी के साथ में 2 हरी मिर्ची को काट के डाल देंगे और 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर देंगे। 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर दें और इसी के साथ में 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। इसी के साथ में 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दें। चलिए अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और इसी के साथ में काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। यह स्वाद में कम तीखी होती है। और अब पकौड़े को हल्की सी खटास देने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। और अब जो हमने खड़े मसालों का दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे भी हम स्टेज पर ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, तो नमक हम इसमें तब डालेंगे जब हम पकौड़े फ्राई करने वाले होंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप पहले से ही मिश्रण में नमक डाल देंगे तो मिश्रण गीला हो जाएगा और पानी छोड़ने लगेगा। चलिए पकौड़े फ्राई करने से पहले हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और फटाफट से मिश्रण को मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह बैटर अभी भी गाढ़ा है और इसके गोल गोल पकौड़े का शेप बन रहा है। तो चलिए यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हम जल्दी से पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मिश्रण में से थोड़ा सा हिस्सा लें और इसके गोल गोल पकौड़े बनाकर तेल में डालते जाएं। पकौड़े डालने के बाद में फ्लेम को मीडियम कर लें जिससे कि पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से सेक जाएंगे। और जितनी कढ़ाई में जगह है उतने ही पकौड़े तेल में डालें और इस समय हम पकौड़े को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। कुछ समय बाद पकौड़े तेल में तैरने लगेंगे और इसमें बबल्स भी कम हो जाएंगे, तब हम चम्मच की सहायता से पकौड़े को अलट पलट कर सेक लेंगे। और पकौड़े को तब तक सेकेंगे जब तक कि इसका रंग गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है और इसी के साथ में पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। और अब एक ज़रूरी बात, पकौड़े को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो पकौड़े ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पकौड़े यहाँ पर क्रिस्पी हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से हरी मूंग दाल के पकौड़े बनाकर ट्राई किए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो मैंने पकौड़े का एक बैच बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह हम मिश्रण में से सभी पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप भी इस तरह से क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े घर पर आसानी से बना सकते हैं। भिगोई हुई हरी मूंग की दाल को पीसने से पहले उसका पूरा पानी निकाल लें और पकौड़े तलने से तुरंत पहले बैटर में नमक डालें, नहीं तो मिश्रण गीला हो जाएगा। और पकौड़े को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें जिससे कि पकौड़े अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने पकौड़े का दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तेल में हम हरी मिर्ची भी फ्राई कर लेंगे। मिर्ची में हल्का सा कट लगा दीजिए और इसे तेल में डालकर 2 मिनट तक फ्राई कर लें। और किसी भी तरह के पकौड़े हो, तली हुई हरी मिर्ची और पकौड़े का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए छिलके वाली हरी मूंग दाल के क्रिस्पी करारे और अंदर से सुपर सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार हैं। गर्मा गर्म पकौड़े को तली हुई हरी मिर्ची, हरी धनिया पुदीने की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में सर्व करें। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से पकौड़े बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।